गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, अभी तक हमने पढ़ा बच्चों अ से अह तक स्वर और क से ह तक व्यंजन, वो आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे आज पढ़ते हैं छ से ढ तक व्यंजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? छ से ढ तक व्यंजन। तो चलिए पढ़ते हैं छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से बच्चों ज्ञानी, स्र से श्रमिक, और ये आपका ड और ढ, ड और ढ क्या हुआ बच्चों? ये आपका अतिरिक्त वर्ण, ये आपका है अतिरिक्त वर्ण, ड और ढ, ये आपके दो वर्ण जो हैं ये अतिरिक्त वर्ण हैं। तो छ से क्या होता है बच्चों? छत्री, और त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, और स्र से श्रमिक। तो चलिए इसको हम कविता के साथ पढ़ते हैं। छ से छत्री युद्ध में जाते, छ से छत्री युद्ध में जाते, दुश्मन को वह मार भगाते, छ से छत्री युद्ध में जाते, दुश्मन को वह मार भगाते, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल बड़ा भयंकर, त्र से त्रिशूल बड़ा भयंकर, धारण करते इसको शंकर, धारण करते इसको शंकर, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से बच्चों ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी बड़े विद्वान, ज्ञ से ज्ञानी बड़े विद्वान, सबको देते नैतिक ज्ञान, सबको देते नैतिक ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी बड़े विद्वान, सबको देते नैतिक ज्ञान, स्र से श्रमिक, स्र से श्रमिक, स्र से श्रमिक मेहनत करता, स से श्रमिक मेहनत करता, मेहनत से ये कभी न डरता, स्र से श्रमिक मेहनत करता, मेहनत से ये कभी न डरता। उसके बाद आपके ये दो अक्षर आते हैं ड और ढ, ये आपके हुए अतिरिक्त वर्ण, ये क्या हुए बच्चों? आपके अतिरिक्त वर्ण। तो छ, छ से छत्री, ह, ह तक हमने क से ह तक व्यंजन पढ़ाया, उसके बाद आपका आया छ, छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, ढ और ढ, ये दोनों क्या हुए आपके अतिरिक्त वर्ण हैं। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज हम देखते हैं। चित्रों को सही अक्षर से मिलान कीजिए, चित्रों को सही अक्षर से मिलान कीजिए। ये देखिए चित्र बने हुए हैं और आपके ये कुछ अक्षर दिए हुए हैं जो आप पढ़ चुके हैं, इनको आपको सही अक्षर से मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? न से क्या होता है? नल। न से क्या होता है बच्चों? नल। और उसके बाद ग से क्या होता है आपका? ग से क्या होता है? गमला। अब फिर घ से क्या होता है? घ से क्या होता है? घर। म से क्या होता है? मछली। म से क्या होता है बच्चों? मछली। तो इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फील करनी है। तो इस तरह से आपको ये करना है, बुक में ही फील करिएगा। छ से क्या होता है? छत्री। ग से क्या होता है? गमला। न से क्या होता है? नल। और स्र से क्या होता है? श्रमिक। और झ से झरना, घ से घर, ज्ञ से ज्ञानी, म से मछली, त्र से त्रिशूल, ढ से बच्चों पढ़ना, ठीक है। और इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही फील करनी है, और अच्छे से इसको करिएगा, और यहाँ तक आपको सबको अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलिए हम एक बार क से ज्ञ तक फिर से हम पढ़ते हैं। क से बच्चों कबूतर, ख से खरगोश, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से, ये देखिए बुक देख करके पढ़िए आप, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग माने कुछ नहीं, च से चम्मच, छ से चम्मच, छ से
छाता, जैसे जहाज और जैसे झंडा, इया माने कुछ नहीं। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ माने कुछ नहीं। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, ल से लट, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, स से सलजम, स से षटकोण, और स से सपेरा, ह से हल। इसके बाद देखिए, छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, औड़ और ढ, ये आपके अतिरिक्त वर्ण हैं, इनको भी आप याद करिएगा। और इतना आप स्वर और व्यंजन अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कॉपी में करिएगा, और ये बुक में ही करिएगा, और कॉपी में क से ज्ञ तक व्यंजन अच्छे से आप लिखिएगा और लर्न करिएगा। थैंक यू।